दादा साहेब फाल्के टीम एंड आई विश रेहान सर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. द लोकेशन इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस एज ही इज लुकिंग टुडे एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स. थैंक यू. 40 चांद लगते हैं और आज उनकी सालगिरह है, बर्थडे है, जन्मदिन है, तो मैं उनको दिल से बधाई, मुबारकबाद और मतलब बेस्ट विशेस देना चाहता हूं कि वो हमेशा तरक्की करे और मतलब अपने फील्ड में जो भी वो करना चाहे उनकी सारी मतलब ख्वाहिश पूरी हो और ही शुड ऑलवेज बी ब्लेस्ड. खुदा उनके साथ हमेशा रहे और उनकी बरकत होते रहे. ऑल द बेस्ट. जी एहसान रेहान जी मेरे बहुत ही परम मित्र हैं और बहुत ही क्लोज मित्र हैं. हमारी दोस्ती उनसे 15 साल से है और बहुत ही एक सच्चे इंसान है और उनके जन्मदिन पे मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि एहसान जी हमेशा आप दोस्तों के लिए हमेशा मदद करते हैं और खड़े रहते हैं. ऐसे ही जीवन भर रहिए और हमारी उम्र भी आपको लगे. और आज हमारे साथ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बिग बॉस की 2012 की बिग बॉस 12 की जो प्रत्याशी हैं सोमी खान जी हमारे साथ हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि रेहान सर के लिए दो सब बोलें. मुझे खुशी होगी उनके बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो. जब लास्ट ईयर मुंबई अचीवर्स अवार्ड हुआ था तब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे मिलने के बाद पता चला कि वो बहुत ही यू नो इज रियली डाउन टू अर्थ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग एंड आई रियली विश हिम गुड लक फॉर हिज लाइफ. आई होप वो अच्छा और अच्छा करे और तरक्की करे और हमेशा कामयाब रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें. जी और सुमी आपको मालूम है रेहान जी के बारे में दोस्तों के लिए उनके पास में स्पेशल जगह रहती है. जिसको दोस्त मानते हैं ही इज रियली वेलकमिंग. जैसे उनसे मिलके लगा अभी अंकल मुझे बहुत वेलकमिंग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही यू नो केयरिंग नेचर है उनका. और मैं अपने दिल से उनको प्यार करता हूँ और मैं उनको विश करता हूँ कि हमारी भी उम्र उनको सर को लगे और सुमी और हम दोनों की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आई विश हिम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड हैप्पी बर्थडे. उनके हर साल उनके बर्थडे पे आई एम इनवाइटेड. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड हर साल की तरह दिस बर्थडे पार्टी इज लुकिंग सो रॉकिंग एंड आई एम सो ग्लैड टू बी इनवाइटेड एंड उनको उनके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. एहसान मेरा छोटा भाई है एंड बहुत इज्जत करता है, मैं उससे बे इंतहा प्यार करता हूँ, बहुत क्लोज है मेरे और दिली दुआएं दे रहा हूँ उसको मैं कि अल्लाह ताला उसको ढेर सारी खुशियाँ दे, हर मुसीबत हर आफत हर बला से उसको महफूज रखे, तो नाम शोहरत दौलत शोहरत हर एक चीज़ से नवाजे और इंशाल्लाह ऐसा प्यारा भाई बहुत कम लोगों को नसीब होता है. मैं अपने आप को बहुत ही नसीबदार समझता हूँ कि एहसान रेहान जैसा एक छोटा भाई अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है. माय बेस्ट विशेस टू हिम, मे बी ही ब्लेस्ड विद हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस राउंड द ईयर. थैंक यू सो मच. मैं जानता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हमारे चेयरमैन साहब थे उनके साथ में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रह चुका है एहसान और उनके साथ में बहुत सारे जो कम्युनिटी के काम करते आया है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एहसान की आदत जो मुझे पसंद आती है वो ये है कि बंद मुट्ठी काम करता है, पब्लिसिटी करने की जी नहीं चाहता उसका और चाहता है कि कम्युनिटी के जितना कर सकूं उतना करता है. और मेरी दुआएं कि उसी तरह वो कम्युनिटी की खिदमत करते रहें और कम्युनिटी भी उसकी बहुत इज्जत करती है, बहुत चाहती है कि रेहान को ज़रा सा भी मसला होता है तो बिना झिझक आ जाता है रेहान के पास. माइनॉरिटीज़ कमीशन के पास लेके जाना, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास लेके जाना, कभी पुलिस स्टेशन में कभी कुछ काम हो, कभी किसी सीनियर ऑफिसर के पास काम हो, बेझिझक एहसान जाता है और अपने रिलेशंस की बुनियाद के ऊपर लोगों के काम करके देता है. इस बात से मुझे बेइंतहा खुशी है. कई बार मुझे इसने फ़ोन किए लीगल एडवाइस के लिए और मेरे दरवाजे हर वक्त ऐसे एक छोटे भाई के लिए खुले रहते कि कम्युनिटी की सर्विस के लिए जब भी वो मेरे पास आना चाहता है ही इज़ ऑलवेज़ वेलकम. थैंक यू सो मच. क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे एहसान जी को, बर्थडे है आज, किस तरह से
जी मैं उनको बहुत बहुत मतलब पहली बात तो मैं बोलना चाहती हूँ ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन सो आई वॉन्ट टू विश हिम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और हमें करीब एक साल हो गया एक दूसरे को जानते हुए सो बहुत सारी विशेज है थैंक यू ऐसा जी का जन्मदिन है एक अच्छा लड़का उभरता सितारा है जो समाज को जुड़ने काम करता है ऐसा भाई ने एक साल भर दोस्ती के अंदर में ये प्रयास किया कि समाज जुड़ना चाहिए ऐसा ने समाज को जुड़ने काम में अच्छा उभरता चले मराठी हो या हिंदी हो दोनों जगह से अच्छा काम किया इसलिए आज मुझे आना पड़ा एक अच्छा मित्र है जो हर जगह समाज को जोड़ने काम करता है पूरा देश एक करने काम करता है ऐसे ही भाई की फिलोसफी है कि पूरा इंडिया एक हो पूरे मजहब एक हो और इसलिए ऐसा भाई के आज बर्थडे के लिए मैं नागपुर से यहाँ पर आया हूँ मैं ऐसा भाई को उनकी जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसा भाई इस जगत में आगे बढ़े और समाज को जोड़ने काम करे का पार्टी थी एक्चुअली है अभी चल रही है तो मुझे अच्छा लगा सभी लोग आए और जैसे देखेंगे आपके कुकरे साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ऐसे ही मेरे काफ़ी दोस्त लोग आए हैं जो बॉलीवुड से है टीवी इंडस्ट्री से है एंड पॉलिटिकल फील्ड से है तो अच्छा लगता है बड़ों का आशीर्वाद रहता है और कुकरे साहब आने से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई नहीं बहुत ही अच्छा व्यक्ति है एहसान भाई हर समाज जुड़ने काम करते हैं मैं आपको पहले क्या एहसान भाई के बारे में पूरा हिंदुस्तान एक है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एहसान भाई है कि पूरा मजहब एक हो इनकी फॉलोसफी है कि सभी लोग एक हो इसलिए आज मुझे इनके बर्थडे में आना पड़ा आज मैं नागपुर से यहाँ तक चलता हूँ जबकि मुझे आना नहीं था अगर समाज के हित में कोई काम करता हो और राष्ट्र से जुड़े काम करता हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो उसे में रहने का मेरा विश्वास है और मैं एहसान भाई के बर्थडे में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ एहसान भाई मुझसे बड़े हो जाए और ये लड़का आगे बढ़े यही शो होना चाहता हूँ तो कुछ मैंने सोचा नहीं है लेकिन हम जितना हो सके अच्छा काम करेंगे चाहे वो समाज के लिए हो हमारे देश के लिए हो हम कोशिश करेंगे अच्छा काम वर्ल्ड पीस एम्बेसडर के लिए भी आपका नाम चल रहा है ऐसा लगता है आपको जब इस तरह से ब्रांड इस तरह की चीज़ें से मनाते हैं जी बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है थैंक यू बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और आज उनका जन्मदिन है बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी लेविश पार्टी रखी उन्होंने एंड हर साल वो इस तरह करते रहे इवेंट्स वगैरह के मामले में एहसान का नाम है और बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको मैं इस जन्मदिन की और जहाँ तक एहसान की बात है तो हर साल वो इस तरह के अपनी बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करता है और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और जिस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं वैसे वो अच्छा काम करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत बधाई हो उनके पूरे परिवार और उनके सभी दोस्तों को भी आज के शुभ अवसर पर उनके जो इकट्ठा हुए मित्र सब जगह से पूरे महाराष्ट्र से मुंबई से यहाँ पे आए हैं ये उनका प्यार है सबका जो सबको एक चेन में एक माला में सबको बांध के रखा है और इसी प्रकार से ये सुंदर मोती की माला उनके रिश्तों की बनी रहे और एकता के साथ नव वर्ष के अवसर पर 2020 में आगे बढ़े बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मोहित जी कई सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं सर जी तो ऐसा कौन सा काम है जो आप सोचते हैं कि इस बार ये साल वो करने चाहिए जो देखिए अभी सभी काम अच्छे हैं जितने काम सोशल कॉज के लिए वो करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि एनवायरमेंट का बहुत अच्छा अभी इश्यूज है मुंबई में
ट्रैफिक का इशू बहुत है, जिस हिसाब से बढ़ते समय में मुंबई में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, तो सरकार के साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग जो सोशल मुद्दों को उठाते हैं, इसको और तेज़ी से उठाना चाहिए और लोगों की कहाँ पे सहायता कर सकते हैं। आज के युग में यूथ की एक अलग आवाज़ उठ के आई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, हमने देखा है, और सोशल मुद्दों के ऊपर लोगों में काफ़ी देश के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसको और बढ़ाना चाहिए। और चाहे एनवायरमेंट का हो, वुमेन एम्पावरमेंट का हो, चाइल्ड का हो, हर एक इश्यूज़ को पूरा न्याय देने का काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।